सिद्धार्थ नगर से अरुण शुक्ला की रिपोर्ट। सिद्धार्थ नगर जिले में कोरोना वायरस से लड़ रहे पुलिस विभाग के लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए पुलिस प्रशासन व्यापक व्यवस्था कर रहा है। सिद्धार्थ नगर के पुलिस अधीक्षक फील्ड में काम कर रहे पुलिसकर्मियों, होमगार्डों और चौकीदारों को बचाव के किट उपलब्ध करा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विजय धूल ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को फिलहाल 4 मास्क, 2 जोड़ी ग्लव्स, 2 लाइफ बॉय साबुन, सैनिटाइजर और 1 टॉवल दिया गया है। साथ ही 112 की गाड़ियों की साफ सफाई और सैनिटाइज करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, सर्फ एक्सल, ब्लैक हिट सैनिटाइजर और बाल्टी मुहैया कराई गयी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस के लोग लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। शासन के निर्देश पर ये सम्मान उन्हें दिए जा रहे हैं ताकि ये लोग खुद को बचाते हुए अच्छी सेवा दे सके। इस टाइम हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी कर्मियों के साथ मिलकर बिल्कुल फ्रंट पर कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, तो उसी को हमारे कर्मियों के बचाव के लिए और उनमें एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जागृत करने के लिए सभी पुलिस कर्मियों को और जो हमारे होमगार्ड्स हैं या चौकीदार हैं या पीआरडी के जो जवान हैं जो हमारे साथ पुलिस ड्यूटी में लगे हैं, उनको एक किट हमारे द्वारा प्रदान की जा रही है। हमारा ये लक्ष्य है कि हम अगले 2 दिन के अंदर हमारे सभी कर्मियों को ये सब सामान उपलब्ध करा दें। इस किट में जो सामान है वो आपके हैंड ग्लव्स हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर हैं, हाथ धोने के लिए साबुन है। इसके अलावा जो वाहन है उसके लिए वाहन को साफ करने के लिए जो स्प्रे वगैरह आते हैं वो सब हैं, ब्लीचिंग पाउडर का पैकेट है, सर्फ एक्सल या रिन इस टाइप का जो डिटर्जेंट पाउडर है उनके पैकेट्स हैं, और हर कर्मी को अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हैंड टॉवल, ये सब हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। और मेरा मानना है कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोग जनता की बेहतर सेवा कर पाएंगे और कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लड़ पाएंगे। कितना लक्ष्य सर देने का लगभग?